भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित बारसलीगंज रोड में पिछले कई वर्षों से जल जमाव की समस्या रहती थी, जिसको लेकर आए दिन स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी परेशान रहते थे। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम की महापौर भी परेशान रहती थी। इसके बाद पिछले कुछ दिनों पूर्व 2 करोड़ की लागत से सड़क एवं नाला निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था। इसके बाद निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। ऐसे निर्माण कार्य के निरीक्षण करने भागलपुर नगर निगम की महापौर वसुंधरा लाल आज खुद अपने तदलबल के साथ पहुंची। वसुंधरा लाल ने कहा कि यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस काम के लिए पिछले कई दिनों से हम खुद चिंतित थे। आज के इस निरीक्षण में वार्ड पार्षद पंकज गुप्ता, पार्षद कल्पना देवी, पार्षद धीरज, पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी, दीपक शाह सहित नगर निगम के अभियंता एवं कर्मचारी मौजूद थे। नहीं, तभी तो मैं यहाँ आई निरीक्षण करने के लिए। ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है और बहुत दिनों से इसमें जल जमा होता रहता था, पूरा नाली भी जाम रहता था। तो हमने अभी निरीक्षण किया है और काम ऑलमोस्ट ठीक ही हो रहा है। थोड़ा बहुत जो भी खामियां थी वो हमने बता दिया है और इंजीनियर साहब जो थे उनको भी बता दिया है। वो आगे से उसका ध्यान रखेंगे, जो भी टेक्निकल चीज़ है थोड़ी बहुत गड़बड़ी, तो वो ध्यान रख करके और इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, क्या ऑप्शन और आ सकता है, उसको भी बोले हैं कराने के लिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। टेक्नोमिशन इंटरनेशनल स्कूल भागलपुर के छात्र विशाल कुमार ने IIT JEE एडवांस में 3212वीं रैंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इन्हें सामान्य कोटि में 21561वीं रैंक हासिल हुआ है। इन्होंने 116 अंक प्राप्त किए हैं। विशाल कुमार ने नर्सरी कक्षा से 12वीं की पढ़ाई टेक्नोमिशन इंटरनेशनल स्कूल में कर ये सफलता हासिल की है। ज्ञात हो कि इनके पिता स्वर्गीय श्रवण कुमार सिंह का देहांत उस समय हो गया था जब ये मात्र 6 ही महीने के थे। इनकी माता शशि प्रभा सिंह ने सहारा में काम किया, लेकिन इनकी सारी पूंजी डूब गई। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। विशाल कुमार को नर्सरी कक्षा में ही टेक्नोमिशन स्कूल को सौंप दिया और आज सभी के सहयोग और विशाल के परिश्रम से यह सफलता प्राप्त हुई है। इस सफलता के पीछे विशाल की माता और बहन तृप्ति के अलावा स्कूल की निर्देशिका इला सिंह एवं निर्देशक अंशु सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। सेंट पॉल एकेडमी, लीड अस टू लाइट। CBSE की नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल, एडमिशन स्टार्ट नाउ। स्कूल जो आपके बच्चों की कौशल और क्षमता को बढ़ाता है। विद्यालय में छात्रों के लिए सुविधाएं, ऑनलाइन क्लासरूम, कंप्यूटर लैब एंड साइंस लैबोरेटरी, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, बस फैसिलिटी। स्कूल प्रोवाइड वेल क्वालिफाइड टीचर्स विद एप्रोप्रिएट लीडरशिप और प्रिंसिपल। विद्यालय जो देता है 100% रिजल्ट। दरियापुर, सजौर, नाथनगर, भागलपुर। नगर निगम के वार्ड संख्या 46 छत्रपति पोखर स्थित शिव मंदिर परिसर में नगर निगम के द्वारा डीप बोरिंग का निर्माण कराया गया है। डीप बोरिंग में बिजली का करंट आता है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त को आवेदन के जरिए कई बार दिए। इसके बाद नगर निगम के द्वारा अब तक किसी तरह का कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शिव मंदिर परिसर में सरकार स्कूल भी, जहां छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। यहां किसी बच्चे को करंट लग जाता है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा, जबकि इस भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए सभी को पानी की आवश्यकता है। बोरिंग के पास खुद बच्चे जाकर बोरिंग को चालू करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन के बाद बारिश का भी मौसम आ जाएगा, इसलिए यदि समय पर बोरिंग को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले समय में कई बच्चे एवं बच्चियां करंट के चपेट में आ जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय क्लबगंज स्कूल है, यानी बच्चे का स्कूल, और बोरिंग बना दिया, बोरिंग का रूम कमरा नहीं बनाया, प्लाई बोर्ड लगा करके उसी में बक्सा, स्टार्टर, बिजली मीटर सब लगा दिया, जो कि पलाय पानी बरसात से फूल करके झूल गया है। विभाग को बहुत सारी जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऑपरेटर जो आता है वो भी लिखित दिया, उसके बावजूद भी कोई देखने वाला नहीं है।
नगर निगम के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई और इस बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा पूर्ण रूप में हावी रहा, जहां भागलपुर नगर निगम के मेयर, उप मेयर, नगर आयुक्त, वार्ड पार्षद सहित सशक्त स्थायी समिति के अलावा नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कई प्रस्तावित बिंदुओं पर चर्चा हुई और कई प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समितियों द्वारा पारित भी किया गया। जबकि नगर निगम के बैठक में नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी छाया रहा। वहीं मौके पर स्थानीय समितियों के द्वारा साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क नाला सहित विषयवार मुद्दों पर नगर आयुक्त एवं स्थानीय समिति के समक्ष विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आज स्थायी समिति की बैठक थी और 2024 की ये दूसरी बैठक थी स्थायी समिति की, तो हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि सर्वसम्मति से स्वीकृति भी बनी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि स्वीकृति नहीं बनी और बहुत सारे विवादित ऐसे मुद्दे थे जिस पर कि आगे संज्ञान लिया जाएगा, उस पर ऐसा करके लिया गया। राजकीय नेत्रहीन विद्यालय भागलपुर का प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, स्थानीय पार्षद अमित ट्विंकल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर नेत्रहीन छात्रों ने गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने संबोधन में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि बहुत चिंता की बात है, यहाँ छात्रों में कमी हो रही है। हम शिक्षा मंत्री से बात कर यहाँ की सुविधाओं को और आगे बढ़ाएंगे, यह भी नजर रखेंगे कि यहाँ के छात्रों को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। मेरा प्रणाम। आज मैं आपके बीच आकर अपने आप को बहुत धन्यवान रही हूँ कि मुझे आज ऐसा मौका मिला और ऐसा अवसर मिला कि आपके बीच मैं यहाँ आ पाई। आप धन्य नहीं, मैं धन्य हो गई आपके बीच आकर के। भागलपुर जिले के इसीपुर बराहार थाना क्षेत्र के गोराटी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि रेखा देवी का पारिवारिक जमीन को लेकर पिछले कई दिनों से झंझट हो रहा था। इसकी जानकारी रेखा देवी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को दिया। जनप्रतिनिधि के द्वारा दोनों पक्षों के सामने बातचीत हो रहा था। इस दरमियान देवशरण पोद्दार एवं देवशरण के परिवार वाले ने रेखा देवी के पुत्र रंजीत पोद्दार, भरत पोद्दार एवं नंदन कुमार को लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया, जिसमें रेखा देवी के तीनों पुत्रों के सिर में गंभीर चोटें लगी है। सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर रेखा देवी ने भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ आवेदन दिया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। देखिए, हमको फोन किया था परसों मुकेश पोद्दार, फोन करने बाद बोला कि पंचायती है सो आना है, तो हम उनको बोले से देखना पिछले बार तो लाठी पहना जुटा के रखा था, इस बार भी तो नहीं रख रहा है, तो नहीं रख रहे हैं। हम कहे ठीक है तब आएंगे। इसके बाद हम लोग पंचायत में गए, बुलाने के लिए आया देवशरण का बेटा। इसके बाद हम गए पंचायत में, पंचायत में जाने के बाद हमसे पूछा कि क्या चाहिए आपको, क्या दिक्कत है आपको। हम कह हमारा 7 डिसमिल है, 7 दे दीजिए, हम लोग का नाना 7 डिसमिल दिया है, इसी में वो लोग हमको मारने लगा। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।